रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुखे। दोस्तों आज की ये वीडियो मैंने खास करके उन लोगों के लिए बनाई है कि जो बेचारे अपनी लाइफ की प्रॉब्लम से परेशान हैं और ढूंढ रहे हैं कुछ मिनटों का एंटरटेनमेंट। तो अगर आप उनमें से हो मतलब उदास, तो पक्का ही ये वीडियो देखकर आप हो जाओगे बेहद ही खुश। लेकिन अगर आप पहले से ही खुश हो तो आपको ये वीडियो कर देगी ऐसी फनी वीडियो क्लिप्स के जरिए और भी ज्यादा डबल खुश। तो आइए अब हम बिना वक्त गवाए स्टार्ट कर देते हैं फनी मोमेंट्स की इस शानदार वीडियो को। दोस्तों जैसे हर मौसम अपने साथ कुछ अच्छी चीजें लाता है, तो उसके साथ वो अपने आप ही ले आता है बहुत सारी प्रॉब्लम्स। जैसे कि आप इनकी इस प्रॉब्लम को ही देख लो जो कि इनके साथ हुई है, बारिश में चप्पल पहनकर नहाते और उसी दौरान थोड़ा सा भागने की वजह से। गाइस मेरे साथ ना एक हैंड हो गया, बारिश हो रही तो मैं नहाने निकला थी, तो जो चप्पल है ना मेरी चप्पल तो मैं तिलकन लगा था, तो वो चप्पल मेरी तिलक के ना इधर आ गई है, अभी उतर नहीं गई। गाइस जो चप्पल मैंने दुबई से ली थी, दोस्तों मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि आपकी लाइफ में एक बार तो डस्टबिन में कूड़ा या टिश्यू डालते वक्त ऐसा कुछ भक्का ही हुआ होगा। दोस्तों स्कूल के कुछ छात्रों से मिलने आए ये जनाब, जब उनमें से किसी एक से ये सवाल पूछते हैं कि वो किस देश में रहते हैं, बस दोस्तों इतना सिंपल सा क्वेश्चन, पर इसका उसने क्या आंसर दिया? कौन से देश में रहती है? झारखंड देश में रहती है। और इसके बाद जब उससे ये पूछा गया कि एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो इस सिंपल से क्वेश्चन का कि जिसका आंसर 60 है, उसने ये आंसर दिया, एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? दो सौ साठ मिनट होते हैं। दोस्तों इनके हॉस्टल के कमरे में जो कि ये है उसमें घुस गया है एक डॉग और वो अंदर जाकर बड़े चैन से सो रहा है। लेकिन तभी ये जनाब आ जाते हैं अपने इस पतले से बेड के साथ उस डॉग को भगाने के लिए। तो अब आगे आप ये देखिए कि भगाने कौन आया था और वहाँ से भागा कौन। तो दोस्तों जैसा कि आप इस वीडियो में देख ही सकती हो कि जो कार इन मैडम को गिफ्ट की गई थी उसका ऑफिशियल प्लेट नंबर आ चुका है। इसका मतलब तो यही होता है कि अब वो इस कार को लेकर रोड पर उतरने के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो दोस्तों अब मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको क्या लगता है, ये मैडम जब पहली बार अपनी कार के साथ रोड पर उतरेगी तो क्या होगा? चलिए ज्यादा मत सोचिए, मैं ही आपको उनकी एक और वीडियो के जरिए दिखा देता हूँ। फिर इसमें जैसे कि आप देख ही सकते हो कि टायर की धज्जियां उड़ गई है, लेकिन इन मैडम को उससे कहां फर्क पड़ने वाला था, वो तो चला रही है गाड़ी अपनी ही धुन में जब तक कि पुलिस नहीं आ जाती। दोस्तों आप अपनी शादी में हर फ्रेंड को इनवाइट करना पर सिवाय इन जैसों के, और ऐसा मैंने क्यों कहा वो तो आप वीडियो देखकर ही समझ लो। अब अगर दोस्तों अपने शादियों में ऐसे फ्रेंड्स को ना बुलाने की ये कड़ी वजह देख ही ली है, तो अब आप जरा उन्हें शादी में ना बुलाने की एक और वजह भी देख लो। फिर इसमें इस दूल्हे को तो एक दोस्त नहीं बल्कि पूरे के पूरे ग्रुप ने मिलकर बना दिया है एक दूध पीता बच्चा। दोस्तों चलिए अब मैं आपको एक ऐसा डांस दिखाता हूँ कि जो किया तो गया है दो इंसानों द्वारा, लेकिन है वो दो गोरिल्ला जैसा, मतलब गोरिल्ला स्टाइल का।
दोस्तों अगर आप स्टूडेंट हो और अगर आप किसी एग्जाम को क्रैक करने की प्रिपरेशन कर रहे हो तो मैं आपको वो प्रॉब्लम्स दिखाता हूँ जिनको मॉर्निंग में पढ़ाई करने वाला हर स्टूडेंट फेस करता है, जिसमें आते हैं दूध वाले भैया, टीवी का वॉल्यूम, डैड के गार्गल, बंद किया हुआ पंखा और किचन का मिक्सर। और ये सभी मिलकर सुबह सुबह क्या करते हैं? दोस्तों अब आप जरा देखो अपनी लाइफ में पहली बार किसी जिंदा फिश को देखने और उसे टच करने वाले इस बच्चे को कि जो उसे देखकर इतना खुश है कि जिससे खुशी के मारे वो अपनी क्यूट हंसी रोक ही नहीं पा रहा और उसे देखकर हम अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे। दोस्तों इस वीडियो में माउंट क्लाइंबिंग करने आए ये कुछ बाइकर्स अचानक ही बीच में रुक जाते हैं, जिससे ये सवाल उठने लगता है कि आखिर ऐसा तो क्या हुआ होगा जो ये सारे के सारे बाइकर्स यहाँ एक ही जगह पर रुक गए, जिसमें पहले तो लगा कि शायद आगे पूरा जाने की वजह से उन्हें यहीं पर रोक दिया गया होगा, लेकिन ये तो बाद में पता चला कि खतरा पूर्ण नहीं बल्कि पूर्ण से भी ज्यादा भयानक था। दोस्तों अब ये वीडियो तो होती है यहीं पर समाप्त, लेकिन अगर आप ऐसी ही थोड़ी और वीडियोस देखना चाहते हो तो आप स्क्रीन पर दिख रहे इन दो वीडियोस में से एक वीडियो देखना मत भूलना।